हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हवाई परिवहन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के विभिन्न राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित हैं, तो उसकी हम स्थिति देखेंगे और वह किस नाम से जाने जाते हैं उसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित श्रीनगर हवाई अड्डा की स्थिति देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं वह है श्रीनगर हवाई अड्डा, और इसके पश्चात हम अगला हवाई अड्डा देख लेते हैं, वह है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमृतसर राज्य में स्थित है। इसके पश्चात हम अगला हवाई अड्डा, जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है और यह नई दिल्ली में स्थित है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो वह नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए कि गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो वह अमृतसर में स्थित है। यह रेलवे और SSC परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे हमें याद रखना है। इसके पश्चात हम अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं, वह है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, हम इसकी स्थिति देख सकते हैं। इसके पश्चात हम अगला हवाई अड्डा देख लेते हैं, वह वाराणसी में स्थित है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो वह वाराणसी में स्थित है। इसके पश्चात हम सिक्किम राज्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को देख लेते हैं, इसे बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है और यह सिलीगुड़ी सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके पश्चात हम अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं, वह गुवाहाटी में स्थित है, इसे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है और यह असम राज्य में स्थित है। इसका हमें नाम याद रखना है और कहाँ स्थित है उसे याद रखना है। इसके पश्चात हम नागालैंड राज्य में स्थित अगला हवाई अड्डा देख लेते हैं, वह है तुलिहाल हवाई अड्डा, जो कि इम्फाल नागालैंड में स्थित है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को देख लेते हैं, है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोलकाता में स्थित है। इसके पश्चात हम अगला हवाई अड्डा देख लेते हैं, अगला हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में स्थित है, इसे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। इसके पश्चात अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुजरात अहमदाबाद में स्थित है, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, यह अहमदाबाद में स्थित है। इसके पश्चात अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, इसे भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। इसके पश्चात अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में स्थित है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है और यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके पश्चात हम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यह है विशाखापट्टनम हवाई अड्डा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। इसके पश्चात तेलंगाना हैदराबाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं, यह है हैदराबाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात गोवा राज्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं, इसे डाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। इसके पश्चात हम कर्नाटक राज्य में स्थित अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं, वह है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में केवल इतना ही याद रखना है कि यह किस नाम से जाना जाता है और किस राज्य में स्थित है। इसके पश्चात तमिलनाडु राज्य में स्थित हवाई अड्डों को देख लेते हैं, अगला हवाई अड्डा है जो कि चेन्नई में स्थित है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, इसे अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु राज्य में स्थित अन्य हवाई अड्डे हैं, जिसे तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा कहा जाता है, और तमिलनाडु में एक अन्य हवाई अड्डा है, जिसे कोयम्बटूर हवाई अड्डा कहा जाता है। इसके पश्चात हम केरल राज्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को देख लेते हैं, यह है कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इसके पश्चात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हवाई अड्डा को देख ले, यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। आज के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में पढ़ा और उसकी स्थिति देखी, किस नाम से जाना जाता है उसे भी देखें।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।